73वां स्वतंत्रता दिवस बागेश्वर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां सुबह प्रभात फेरी में लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभात फेरी रामधुन के साथ बागेश्वर बस स्टेशन से शुरू होकर नगर भ्रमण के पश्चात नुमाइश मैदान पहुंची। सुबह 9 बजे सभी सरकारी कार्यालयों में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। सुबह 10 बजे नुमाइश मैदान में सामूहिक तौर पर ध्वजारोहण किया गया। वहां मौजूद जिलाधिकारी रंजना राजगुरु सहित विधायक चंदन रामदास, पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल, पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी सहित अन्य अधिकारियों ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। डीएम ने उपस्थित लोगों को देश की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीद सैनिकों के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए सभी को एकजुट प्रयास करना होगा। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आयोजकों ने लोगों को मिष्ठान भी वितरित किया। सलामी की जाती है जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर, जो कि सकुशल संपन्न हुई है। सभी में बहुत उल्लास का माहौल नज़र आ रहा है और अभी भी एक कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे नुमाइश खेत में चल रहा है जिसमें अच्छी खासी भीड़ है और सभी लोग इसमें बड़े उत्साह के साथ में इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और बागेश्वर की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं चाहती हूँ कि देश की अखंडता और स्वतंत्रता जो है वो बनी रहे। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे देशवासियों को, बागेश्वर नगर वासियों को, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये दिन है अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों को नमन करने का, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, जिनके कारण आज हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है। मैं सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बागेश्वर एक ऐतिहासिक नगरी है और बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जहाँ महात्मा गांधी जी का भी आगमन हुआ, यहाँ सार्वजनिक रूप से झंडारोहण होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनके आश्रितों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। बच्चों के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत और कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ पर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बागेश्वर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये कर्मशैली रही है। कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत बागेश्वर से हुई है। इसको कुमाऊं की काशी कहा जाता है। और आज मैं देख रहा था कि पूरे देश में प्रधानमंत्री के भाषण को भी कुछ मीडिया के लोगों ने लाइव के रूप में सीधे देश को दिखाया गया। मैं समझता हूं बागेश्वर का महत्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ साथ यहां के नागरिकों के, यहां के लोगों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और राखी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आज हमारे ज़िले में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज सुबह प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी के रूप से स्टार्ट किया गया था और आज अभी सभी ने अपने अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया। उसके पश्चात सामूहिक झंडारोहण का कार्यक्रम जो अभी नुमाइश खेत मैदान में चल रहा है, यहाँ पर झंडारोहण किया गया तथा स्कूल के सभी स्कूलों के बच्चों द्वारा जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। तो मैं इस शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। CCN न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज टंगनिया के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।